देखिए बेटा, एक्सपेंड टेन इनवर्स एक्स, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से होगा। एफ एक्स हमारा क्या है, टेन इनवर्स एक्स। एफ जीरो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह जीरो लगा दोगे, टेन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये एफ जीरो निकल आएगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा बताओ, 1/1 x2। 1/1 x2। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/1 x2 इनवर्स, क्यों पावर -1। फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, 1+(n) x^n का लिखा है मैंने, हाईलाइट कर रखा है, 1+(nx+(nn-1)/(2x)² (nn-1)(n-2)/(3x³) एंड सो ऑन। अब इसमें जरा कंपेयर करो, एक्स की जगह हमारा क्या है x² और एन की जगह क्या है हमारा, बोलो क्या है, -1। तो लगा दो यस इसमें सर। 1+(n) की जगह -1, एक्स की जगह x², एन की जगह -1 और ये -1 -1 -1 और ये (2), एक्स की जगह x² लगाओगे तो x² का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ लगा दो एन की जगह -1 -1 -1 और -1 -2, इस तरह से हो जाएगा (3x²³)। ये समझ आया आपके, अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो यही किया था मैंने, क्यों बताएं यस सर। सर। और वन ये बनेगा 1 -(x²) -2 और -1, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 1+(x)4 हो जाएगा। देखिए -3 -2 और -1, ये -6 हो जाएगा, और नीचे (3) क्या होता है, 6 6 से 6 कैंसिल और ये (x)6 हो जाएगा, तो माइनस का (x)6 एंड सो ऑन। ये (f)(x) आ गया, x की जगह 0 लगा दो कितना आएगा बताएं, एक्स की जगह 0 लगाने से क्या आएगा, वन 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 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो f(0) वन आ गया। सर सर, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना, 1+(x)^n, सर इसमें अगर मतलब किसी क्वेश्चन में हमने मान लिया जैसे कि n की पावर 2 हो गई, तो हम n की जगह पे इस फॉर्मूले में n² लगा देंगे। n² लगा देंगे, n की जगह 2 लगा देंगे। नहीं, n की पावर 2 हो गई तो n की पावर 2 के लिए नहीं है बेटा, ये एक एक्सपोनेंट पावर के लिए है। ओके सर। हाँ, तो n की जगह 2 लगा के देखो क्या आता है, 1+(x) और 2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 2x² आ जाएगा। गलत है ना भाई, 1+(x)² तो जानते हो ना। यस सर, यस सर। 1+(x)² + 2x होना चाहिए। नहीं सही है, इनकी जगह 2 हो जाएगा बेटा। कैसे देखो, इनकी जगह 2 इसलिए आ जाएगा, इनकी जगह 2 से 1+(2x), क्यों एन की जगह 2 लगाया और +(2 -1)/(2), 2 से 2 कैंसिल, +(x² आ जाए। क्यों +(x² आगे वाला 0 हो जाएगा, इनकी जगह 2 लगाने से 2 -2 0, आगे भी 0 हो जाएंगे, ये आ गया। यही तो होता है 1+(x)² क्यों पता। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब एन की जगह 2 भी लगा सकते हो, 3 से भी आ जाएगा। यही पूछना चाह रही थी क्या, बताए। यस सर, यही पूछना था। ठीक है, अब वैल्यू लगाते चले जाओ, एक्स की जगह 0 लगा दिया, अब इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन और करो, f(x)
वन का जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, ये फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स फाइव प्लस वन, एक्स की जगह जीरो लगा दो, एफ डबल डॉट जीरो इजिकल टू कितना हो जाएगा, जीरो, बताओ बेटा। ऐसे ही आप ट्रिपल डैश एक्स निकालो, इसका करो पिछले वाले का एक टाइम वन टाइम और, माइनस टू एक्स का टू, इसका ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, इसका थर्टीन एक्स फोर एंड सो ऑन। अब एफ ट्रिपल डैश जीरो निकालो, एक्स की जगह दो लगाओ, जीरो लगाओ सॉरी, कितना आ जाएगा, माइनस टू प्लस जीरो प्लस टू जीरो, कितना आ गया, माइनस टू, एफ फोर एक्स वन टाइम और करो, माइनस टू का जीरो ट्वेंटी फोर एक्स, और ये हो जाएगा चार फोर आगे आ जाएगा, माइनस वन ट्वेंटी एक्स क्यू एंड सो ऑन। एफ फोर जीरो निकालोगे, एक्स की जगह जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा, जीरो। एफ फाइव टाइम निकालो, ट्वेंटी फोर एक्स का ट्वेंटी फोर, इसका कितना हो जाएगा, थ्री आगे आ जाएगा, थ्री सिक्सटी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। एक्स की जगह जीरो लगाओगे तो कितना आ जाएगा, ट्वेंटी फोर, ठीक है। ऐसे एफ सिक्स निकालो, सिक्स टाइम निकालो, ट्वेंटी फोर का जीरो, इसका हो जाएगा सेवन ट्वेंटी एक्स एंड सो ऑन। एफ सिक्स जीरो निकालोगे, एक्स की जगह जीरो लगा दोगे, आगे भी जीरो है, एक्स है, एक्स की जगह जहाँ भी जीरो आएगा तो जीरो आ जाएगा, ये एफ सेवन एक्स क्या आ जाएगा, माइनस सेवन ट्वेंटी, और आगे के टर्म टर्म कंटेनिंग है, एक्स की जगह जीरो लगा दोगे तो यहाँ तो एक्स है नहीं, और टर्म कंटेनिंग एक्स जीरो हो जाएंगे, ये आ जाएगा। ये समझ आया आपके? यस सर, यस सर। ये वैल्यू लगा दो वहीं अपने इस फॉर्मूले में, हाँ मैकलोरिन वाले में, वैल्यू मैकलोरिन वाले फॉर्मूले में लगा दो, देखो एफ जीरो कितना है, वन, एफ जीरो जीरो है सॉरी, तो हमने लिखा नहीं, एफ डॉट जीरो कितना है, वन लिख दिया हमने, ये रहा एफ डॉट जीरो, एफ जीरो जीरो है, ठीक है। और इधर तुम्हारा एफ डबल डॉट जीरो कितना है, जीरो, एफ डबल डॉट जीरो देखो जीरो है, डबल डॉट जीरो वाला भी जीरो हो गया, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और एफ ट्रिपल डॉट जीरो कितना है, माइनस टू हो गया। ऐसे ही एफ फोर जीरो कितना है, जीरो होगा, जीरो है लिखा नहीं, एफ फाइव जीरो कितना है, ट्वेंटी फोर, यहाँ आ गया एक्स फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव, और एफ फाइव जीरो ट्वेंटी फोर, ठीक है। एफ सिक्स सिक्स जीरो है तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये रह गया एक्स सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस सेवन टू जीरो एंड सो। एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, टेन इनवर्स एक्स, ये एक्स बना, ये सिक्स है, फैक्टोरियल थ्री का मतलब सिक्स, टू से कैंसिल कर दोगे थ्री आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू वन ट्वेंटी होती है, ट्वेंटी फोर से कैंसिल होके फाइव टाइम इतना आ जाएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल सेवन को कर सकते हो, सेवन इंटू फैक्टोरियल सिक्स, और फैक्टोरियल सिक्स की वैल्यू क्या होती है, सेवन टू जीरो, तो एक्स सेवन अपॉन सेवन आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। ये समझ आया आपके? हाँ यस सर, यस सर। अगला देखो, एक्सपेंड टेन एक्स बाई मैकलोरिन थ्योरम, लिख दो बाय मैकलोरिन थ्योरम, ठीक है। एज फार एज एक्स फार एक्स फाइव, इसका मतलब ये है कि एक्स फाइव टर्म तक जाना है, कहाँ तक जाना है, एक्स पावर फाइव तक, मतलब केवल यहाँ तक जाना है, ये एक्स पावर फाइव टर्म तक, ठीक है। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 46 डिग्री 30 मिनट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, दो काम करना है, एक तो टेन एक्स का एक्सपेंशन करना है,
एक्स फाइव चलता, और जब एक्सपेंशन हो जाए तो मुझे निकालना है टेन 46 डिग्री 30 मिनट। बात समझ आई? बताए बोले। यस सर। हाँ बोलते रहे, मुझे पता लगा कि आवाज आ रही है। अच्छा एफ एक्स हमारा 10x है, एफ जीरो कितना हो जाएगा, एक्स की जगह जीरो लगा दोगे, एफ जीरो 10 0 इजिकल टू जीरो, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो 10 स्क्वायर 10x का sec स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि जो भी sec स्क्वायर एक्स आए उसे आप 1 + 10 स्क्वायर x में चेंज करें हर टर्म में, 10x का sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स को काय में चेंज कर लिया हमने। 1 + 10 स्क्वायर। अब लगा दो एक्स की जगह जीरो, तो 1 + 10 स्क्वायर 0, और 10 0 की वैल्यू जीरो होती है, बन आ गया आंसर। क्यों? यस सर। हाँ ऐसे ही अब एफ डबल जैसे एक्स किया, इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 का 0, इसका 2 10x, पावर आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, और 10x को कर सकते हो sec स्क्वायर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। ये बात समझ आई आपके? अगले स्टेप में sec स्क्वायर एक्स को फिर चेंज किया 1 + 10 स्क्वायर x में, अंदर मल्टीप्लाई किया 2 10x +2 10 QX, ये आ गया। अब एक्स की जगह जीरो लगा दोगे, एफ डबल डैश 0 10 0 2 10 Q0 Q0 2 10 0 + 2 10 Q0, 10 0 0 होता है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, आंसर आ गया जीरो। बोलो। यस सर। ऐसे ही एफ ट्रिपल डैश 0 ट्रिपल डैश एक्स, एक बार और करो, इसका करना है इस वाले का करो 2 10x, इसका यहाँ से करो, इसका मतलब नहीं है, ये हटा दो, वन टाइम करना है, इसका करो 2 10x का कितना हो जाएगा, 2 sec² x, और 2 10 QX का 3 आगे आ जाएगा, 3 2 या 6, 10 स्क्वायर x, एक पावर कम हो जाएगी, और 10x का sec स्क्वायर एक्स। ये समझ आया आपका? समझ में आया आपके? यस सर। फिर sec स्क्वायर एक्स जहाँ भी है उसे 1 + 10 स्क्वायर x कर दो, ये 1 + 10 स्क्वायर x, और sec स्क्वायर एक्स को 1 + 10 स्क्वायर x, ठीक है? तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का 1 में 2, 2 10 स्क्वायर x, और 6 10 स्क्वायर x का 1 में करोगे तो 6 10 स्क्वायर x, 6 + 2 8 10 स्क्वायर x हो जाएगा, और 6 10 स्क्वायर x को 10 स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 10 4x हो जाएगा। बताओ। यस सर। एक्स की जगह जीरो लगा दूंगा तो 2 10 0 0 10 0 0 2 आ जाएगा, ये आ गया। ऐसे ही 1 टाइम और करो, एफ 4x, 5 तक जाना है, ध्यान रखना, ठीक है? 1 टाइम और करो, 2 का 0, इसका करोगे पावर 2 आगे आ जाएगी, 16 10x, और 10x का sec स्क्वायर है। ऐसे इसे करो 24 10x, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 10 QX, और 10x का sec स्क्वायर एक्स। जो भी sec स्क्वायर एक्स है उन्हें 1 + 10 स्क्वायर x में चेंज कर दो, इसे यहाँ कर दो चेंज, और इसे यहाँ कर दो चेंज, क्यों बेटा? ठीक है, अब देखो 16 10x का 1 में करोगे तो 16 10x, 16 10 QX, और 24 10 QX का 1 में करोगे 24 10 QX, तो 16 10 QX और 24 10 QX, ये 40 10 QX हो गया। 24 10 QX का 10 स्क्वायर x में करोगे तो ये हो जाएगा 24 10 5x। ये बात समझ आई आपके? डिफरेंशिएशन करते जाओ, सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर x में कन्वर्ट करते जाओ, x की जगह जीरो लगा दोगे क्या आएगा बेटा, ये सारे 10 0 10 0 जीरो। जीरो हो जाएगा। लास्ट टाइम और करना है 5 टाइम, इसका करो 16 10x का 16 sec² x, इसका करोगे तो क्या आएगा बेटा, पावर आगे आ जाएगी एक, है
क्या हो जाएगा, 120 टेन स्क्वायर एक्स और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही 24 पावर आगे आ जाएगी, 120 टेन 4x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स। ये समझ आया आपके? यस सर, यस सर। अब जो भी सेक स्क्वायर एक्स है, देखो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, इसे 1 + tan² x में चेंज कर लो। देखो यहाँ किया, यहाँ किया और यहाँ किया, अब इन्हें सिंप्लीफाई कर दो। 16 का 1 में करोगे 16 टेन स्क्वायर एक्स और 120 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कितना हो गया 136 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। अब देखो 120 टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स, 120 टेन 4x, और यहाँ से 120 टेन 4x का 1 में करोगे तो 120 टेन 4x, दोनों को ऐड करूंगा, 120 कितना हो जाएगा 240 टेन 4x, बताए। और लास्ट में 120 टेन 4x इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 120 टेन 6x। समझ आई बात? हैं, एक्स की जगह जीरो, एक्स की जगह जीरो लगा दो तो कितना आ जाएगा 16, ये जीरो ये जीरो ये जीरो 16 आ गया। ये सारी वैल्यू उठा के लगा दो, जो मैक्लॉरिन सीरीज है, एक्स फाइव तक चाहिए तो एक्स फाइव तक टर्म निकालो, एफ जीरो कितना निकला है जीरो, एफ डे जीरो कितना निकला है 1, एफ डबल डे जीरो जीरो, एफ ट्रिपल डे जीरो 2, एफ फोर टाइम जीरो जीरो, और एफ फाइव टाइम वाला कितना निकला है 16। सिंप्लीफाई कर लो, एक्स ये 1 से 1 हट जाएगा, एक्स रह जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 है, और 2 से 6 3 टाइम कैंसिल होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 ये जीरो हो जाएगा, और ये 16 अपॉन 120 हो जाएगा, 16 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, 8 से कैंसिल कर दूंगा, 8 2 या 16 और 120 में 8 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 8 बन जा 1 8 5 या 40 तो 2 बाई 15 एक्स 5 आ गया। बताओ बेटा ये इसका एक्सपेंशन हो गया, बात समझ आई आपके? किसी कुछ पूछना है? नो सर। हाँ, अब देखो अगला पार्ट था इसका कि 10:46:30 मिनट्स इसका वैल्यू निकाल लिए इसकी, तो पहले तो ये मान के चलो कि एक्स है हमारा 46 degree 30 minutes, तो इसे कैसे लिख सकते हो 46 / 2 क्यों 46 1/2 45 लिख सकते हो? यस सर। भाई 30 एक मिनट में कितने, वो एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं बोलो? 60। ऐसे ही 30 मिनट में हाफ डिग्री हो जाएगी? यस सर। यह मिनट नहीं आएगा, यहाँ आएगा डिग्री, ठीक है बेटा, डिग्री कर दो। और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हो, पाई अपॉन 180 का जो मल्टीप्लाई करते हो, पता है? तो ये हमने सॉल्व किया, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 6 = 18 तो ये 60 हो गया, और 3 2 = 3 3 = 9 और 3 31 आ गया, और 62 = 120 और पाई की वैल्यू लगा दी 22/7, इसे जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.812। समझ आई बात? सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से। अब ठीक है, अब 10:46:30 इसमें लगा दो वैल्यू एक्स की। एक बार बता, क्या बताऊं बताऊं कहां से शुरू से नहीं सर, वही अगली पहली ये, अरे बेटा हां सर, ये तुम्हारा क्या था 46 डिग्री 30 मिनट, तो 46 डिग्री 30 मिनट को कैसे लिख सकते हो,
30 मिनट का मतलब होता है हाफ डिग्री, हाँ यस सर। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री, 30 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, आधी हैं, यस सर। तो ये हो जाएगा 46.5 डिग्री। ठीक है, यस सर। अब इसे सॉल्व कर लो, 46 × 2 93, और प्लस वन ऐसे तो सॉल्व करते हो, 93/2, और डिग्री, ये डिग्री हो गई, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 हो जाएगा। यस सर। 3 से आप कैंसिल कर देंगे, 3 से 93 31 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 160 60 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 31 60 × 2 120, और पाई की वैल्यू लगा दी 22/7। इसे सॉल्व करो कैलकुलेटर से, 0.812 आ जाएगा। यस ठीक ठीक है, आगे हाँ। अब बस ठीक है बेटा, इसमें लगा दो एक्स की जगह 46 डिग्री 30 मिनट, और इधर एक्स की जगह रेडियन में लगा दो 0.812, 0.812 का होल क्यू अपॉन 3, और 2y 15, 0.812 का होल पावर। सॉल्व करोगे इतना आएगा, कर लोगे बेटा ऐसे, हैं पता है, जल्दी बोले। यस सर। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन है कि एक्सपेंड मैक्लॉरिन सीरीज EX/EX+1 एज फार एज एक्स क्यू। ठीक है बेटा, एक्स क्यू मतलब एक्स क्यू टर्म तक जाना है, ठीक है, और इसका हमें मैक्लॉरिन सीरीज है सॉल्व करना है। एफ एक्स कितना है EX/EX+1, एफ जीरो कितना हो जाएगा, एक्स की जगह जीरो लगा दो, E0/E0+1, ई जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये 1+1 / 2 आ गया। इसी तरह इसका डिफरेंशिएट करो एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन ई एक्स का ई एक्स, और डिनोमिनेटर एज इट इज EX+1 माइनस ई एक्स एज इट इज, और EX+1 का डिफरेंशिएशन ई एक्स। अब मैं से क्या करूँगा, ई एक्स और ई एक्स, E2x हो जाएगा, ई एक्स का 1 में मल्टीप्लाई ई एक्स, और ये माइनस E2x, E2x से E2x कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, बचेगा EX/EX+1 का होल स्क्वायर। इसमें x की जगह जीरो लगा दूंगा, एफ डैश जीरो, E^0, E0+1, E^0, E0+1 का होल स्क्वायर, E0 1 होता है तो 1+1 2, 1/4 आ गया। समझ आई बेटा बात, आगे देखो, इसका 1 टाइम और करना है एफ डबल डैश एक्स, इसका इसका, तो वही डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे डिनोमिनेटर का तो पावर 4 हो जाएगी। ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, EX+1 का होल स्क्वायर, EX+1 का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस EX एज इट इज, डिनोमिनेटर का कर दो 2 आगे आ जाएगा, EX+1 और EX+1 का EX। इसे सिंप्लीफाई कर लो, देखो EX+1, EX+1 का होल स्क्वायर और EX+1 का होल 4, इसमें जो सबसे कम पावर है EX+1, उसका डिवाइड कर दो हर एक टर्म में, तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, एक डिवाइड हो गया, यहाँ एक कम हो जाएगा, EX+1 रह गया, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो रह जाएगा 2e^2x। इसे जब सॉल्व करूँगा तो e^2x आ गया, और प्लस EX-2e^2x, तो EX तो आ गया, e^2x-2e^2x, e^2x रह जाएगा, ये आपका आ गया एफ डबल डैश एक्स। एक्स की जगह जीरो डाल दो, एक्स की जगह जीरो डाल दोगे तो e^0-e^0/0+1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना हो जाएगा, अब इसका करो डिफरेंशिएशन कैसे, डिनोमिनेटर स्क्वायर तो पावर 3 है, उसका स्क्वायर करोगे पावर 6, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन ई एक्स का ई एक्स, और e^2x का e^2x, डिनोमिनेटर एज इट इज कर दिया माइनस डिफरेंशिएशन, न्यूमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, अंदर वाले का होगा EX+1 का EX। अब देखो सबसे छोटी पावर कौन सी है, EX+1 का होल स्क्वायर, EX+1 का होल क्यू, और EX+1 का होल 6, ये सबसे छोटी पावर है, इसका डिवाइड कर देंगे तो
देखो ex माइनस टू ई टू पावर 2x, और जब इसमें पावर 2 का डिवाइड करोगे तो एक बचेगा ex प्लस 1, यहाँ से ये पावर 2 हट जाएगी पूरी, तो बनेगा 3 ex और ex माइनस ई टू पावर 2x, और नीचे पावर 2 से डिवाइड करोगे तो पावर 4 रह जाएगी। इसे सिंपलीफाई कर लो, ex का ex में e2x और ex का 1 में ex, 2e2x का e टू दी पावर x में माइनस 2e2 पावर 3x, और माइनस 2e2 पावर 2x का 1 में तो माइनस 2e2 पावर 2x, माइनस इसका मल्टीप्लाई करो 3e2 पावर 2x माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस 3e2 पावर 3x। सिंपलीफाई कर लो, देखो e टू दी पावर x ये है, ये मैंने यहाँ लिख दिया e2 पावर 2x, 2e2 पावर 2x माइनस का, और माइनस 3e2 पावर 2x माइनस का, 5e2 पावर 2x, और e2 पावर 2x ये है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4e2 पावर 2x, और बचा 3e2 पावर 3x, और माइनस 2e2 पावर 3x e2 पावर 3x, और ये आ गया। एक्स की जगह जीरो लगा दोगे तो एफ ट्रिपल जाए 0e2 पावर 0 माइनस 4e2 पावर 0 प्लस 3e2 पावर 0, एक्स की जगह 0e2 पावर 0 प्लस 1 का होल 4। ये देखिए क्या बनेगा, 1 1 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन e टू द पावर 0 1 होता है, 2 टू द पावर 4 16, ये -1/8 आ गया बेटा। ठीक है, ये वैल्यू लगा दो, किसमें लगाओगे, इसी में लगाओ, और क्यू तक बारे में लगाना, यहाँ तक क्यू जाता है तो बेटा। F0 कितना है, 1, F0 1/2, F0 कहाँ है, ये रहा 1/2। ठीक है, तो F0 1/2 लगा दिया। F0 कितना है, 1/4। F0 कितना है, 0। F0 कितना है, -1/8। तुम्हें केवल यहाँ तक जाना है, क्यूब तक, क्यों सॉल्व कर लो 1/2, और ये x/4, ये 0 हो जाएगा, ये x³ माइनस आगे आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 3 6 होता है, और 8 48 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। समझ आई बात ये, बोलो। यस सर। हाँ, जल्दी से ये देख लो, प्रूव दैट बाई मैकलॉरिन सीरीज e sin x, ये हमें प्रूव करना है, आंसर दे रखा है, fx है e sin x, f0 कितना हो जाएगा, x की जगह 0 लगा दो, e sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, e 0 बना जाएगा। f(x) करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करो, e पावर sin x का e पावर sin x, और sin x का cos x, f(0) x की जगह 0 लगा दोगे, e sin 0 cos 0, e sin 0 0 होता है, e पावर 0 1 cos 0 1, ये बना गया। ऐसे ही f(x) करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e पावर sin x का पहले करो, प्रोजेक्ट रूल लगेगा, e पावर sin x का e पावर sin x, और sin x का cos x, और cos x एडिटेड प्लस e पावर sin x एडिटेड cos x का -sin x, e पावर sin x कॉमन आ गया, और ये cos x cos x cos² x माइनस sin x, ये वाला sin x। ठीक है, इसकी जगह x की जगह 0 लगा दोगे, e sin 0 cos² 0 माइनस sin 0, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0। f(x) 3 बार करो, किसका करना है, इसका करना है, वही प्रोजेक्ट रूल, e sin x का कर दो, e sin x sin x का cos x, और ये एडिटिज प्लस e sin x एडिटिज cos² x का, इसका करना है cos² x का 2 cos x, और cos x का -sin x, -sin x का cos x, -cos x। यहाँ से देखो कॉमन ले रहा हूँ मैं, e sin x cos x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा cos² x -sin x। ठीक है, और इधर से जब e sin x और cos x ये कॉमन आया, ठीक है, तो ये बचा अंदर cos x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा -2 sin x -1। ठीक है, ऐसे ही अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, e sin x cos x, cos² x को 1 - sin² x -sin x -2 sin x -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -sin x और -2 sin x -3 sin x हो जाएगा, और ये -sin² x, माइनस कॉमन ले लिया तो 3 sin x प्लस का, और sin² x प्लस का हो जाएगा। f(x) 0,
एफ ट्रिपल डैश जीरो के लिए एक्स की जगह जीरो लगा दोगे, ई साइन जीरो कॉस जीरो थ्री साइन जीरो, ये तो सब जीरो हो जाएगा, थ्री साइन जीरो 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 हो गया। ऐसी बच्चा वन टाइम और करोगे तो वन टाइम इसका करने के लिए देखो, इसे पहला फंक्शन मानना, इसे दूसरा फंक्शन मानना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई साइन एक्स कॉस एक्स, अंदर वाले का कर दूँ थ्री कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे, अब इसका करेंगे ई साइन एक्स कॉस कॉस एक्स का, इसमें ही प्रोजेक्ट रूल लगा दो, इसे यही चीज रखेंगे, तो ई साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये माइनस और ये प्लस साइन एक्स, और ये वाला आपका यही चीज रहेगा। ऐसे ही अब माइनस, अब ई साइन एक्स को यही चीज कर दो, सॉरी अब ई साइन एक्स का करेंगे, ई साइन एक्स का ई साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये वाला कॉस एक्स आपका आ जाएगा, और ये आपका एजिटेज। जब मैं एक्स की जगह जीरो लगाऊंगा तो ये जीरो वन हो जाएगा, ये कॉस जीरो वन, और ये थ्री, ये जीरो जहाँ साइन एक्स है वो जीरो हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो। हेलो,